गाइस, सुबह उठते ही 1 घंटा हमेशा आपको धूप के सामने बैठना चाहिए, जिससे ग्लूकोन डी की शरीर के अंदर कमी नहीं हो, क्योंकि आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोन डी की कमी इंसान को रहती है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आना, चक्कर आना और आलस आना बहुत सारी मतलब होती है। तो आपको इसके लिए ग्लूकोन डी अपनी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए डेली उठते ही 1 घंटा आप धूप के अंदर बैठा करो, जिससे ग्लूकोन डी की शरीर में कमी नहीं आए। और एक बार फिर से जाट फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग की बहुत ही अच्छे से शुरुआत करते हैं और पूरे डे को बहुत ही बिजी रखते हैं आपके साथ में, तो जुड़े रहिए। और आज मैं बहुत कुछ चेंजिंग में कराने वाला हूँ अपने फेस पे। क्या हो गया जी? सा घबरा रहा है? तो ग्लूकोन डी की कमी हुई है, पानी पिया नहीं है, धूप लेते नहीं हो, धूप निकलती नहीं है बारिश के मौसम में। ग्लूकोन डी कहाँ से मिलती है? धूप क्यों नहीं लेते यार? थोड़ा 1 घंटा हमेशा इंसान को धूप में बैठना चाहिए। नहीं बैठे और फिर बोलते हो कि मेरे को मतलब जी घबरा रहा है। वो दूर से बोला, संजय स्कूल जा रहा है तो बोला सुरेश भैया धोख दूँ, मतलब लोग के अंदर नहीं आ जाओ दूर से ही। सही है सही है। तो अभी चाय बना के लेके आ जाओ। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ओहो हो, और सीधा जाएगा ये गया लो, सुबह उठते ही लग गए और पसीने में देख रहे हो लत पत हो रहे। नहीं आपकी नहीं है, मेरी भी हालत बहुत सारी गर्मी है ना। देखो किसकी हालत खराब है। तो गर्मी से बहुत सारी हालत, और गर्मी के अंदर ये मतलब पसीना दिखाओ, बारीक पास से दिखाओ पसीना कहाँ है। मेरे को पसीना नहीं आता। ओके, काम करते हैं उनको पसीना आता है। और फाइनली अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल में, मतलब फैमिली के साथ खुशी को चेकअप करवाने के लिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और क्या कर रहे हो? कागज़ इकट्ठा कर लो, क्योंकि जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करके हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो भी आप मतलब प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर आप जो भी रिपोर्ट करते हैं, तो हर रिपोर्ट का वो आप कलेक्ट करके फाइल के अंदर जमा के रखें और जाते ही सबसे पहले उनको दिखाएं, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट के आधार पर अपन को पूरी सिचुएशन प्रेगनेंसी की और अपनी जो बॉडी की अंदर होती है और सारी उसकी जो भी अपने अंदर जो ब्लड की और क्या क्या होता है, मेन तो ब्लड रहता है, ब्लड शुगर बीपी सारा उसका अपन को नॉलेज में रहे। और ब्लड का सबसे ज़्यादा इश्यू रहता है प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर, ब्लड के अंदर ये इश्यू रहता है कि ब्लड सबसे ज़्यादा ब्लड का यूज़ करता है बेबी प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर। तो ब्लड होता है वो किसी महिला के मतलब कम हो जाता है, कम होने का रीजन होता है वो अच्छे से खा नहीं पाते, अच्छे से उसको एनर्जी नहीं दे पाते। तो इसीलिए आप है ना अच्छे से अपना शरीर का ध्यान रखा करो और ब्लड का स्पेशली ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें और कैल्शियम वाली चीज़ें खाएं और हॉस्पिटल को अवॉइड ही किया अवॉइड करना चाहिए। तो हम तो बहुत ज़्यादा अवॉइड किया हमने पूरा प्रेगनेंसी टाइम के अंदर, और अभी हमारे 8 मंथ कम्प्लीट स्टार्ट हुआ है एक मंथ स्टार्ट हुआ है। तो चलो मिलते हैं हॉस्पिटल। और मतलब सरकारी हॉस्पिटल में आना तो मतलब जंग जीतने के बराबर होता है ना, मतलब इतनी सारी भीड़ और बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर तो बहुत सारी ही दिक्कत हुई है। तो क्या क्या रहा है आपके, बाकी रहा कुछ या हो गया सारा? हो गया, अभी रिपोर्ट आई तो मिलते हैं, जुड़े रहिए। क्या लेके आए मार्केट से ये बताओ पहले तो? पहले तो पेटीज का के और और सब्जी बस, मतलब बहुत सारा मेरे खर्चा करवा के आए। इतने रुपए खर्च करवा दे मेरे, सब का हिसाब लिया जाएगा, मेरे को वापस रिटर्न ले लूंगा मैं। है क्या? तो लो मैं निकल रहा हूँ काम पे और फोन को आप पकड़ो और बाय बाय। रुक जाओ,
लंबे टाइम के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आप लोगों को रीज़न तो पता ही है, मुझे 8 मंथ स्टार्ट हो गया है और 8वें महीने के 3 दिन जा चुके हैं और सब अच्छा रहा। आप लोगों की भी दुआ थी, फैमिली की सबकी दुआ है और अभी तक सब ओके है, सब सही है। आज डॉक्टर को भी दिखा दिया तो सब ओके है और रिपोर्ट वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आप लोगों से इसलिए नहीं मिल पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में फ़ोन को जितना हो अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए फ़ोन से और अपने जो हेल्थ है उसको अच्छे से एक्टिव रखना चाहिए, घूमना चाहिए। मुझे वैसे मुझे अच्छा भी नहीं लगता है फ़ोन को ज़्यादा मेरे पास रखना। मैं जितना होता है घूमती हूँ अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो, या कोई एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ, तो इस वजह से आप लोगों से नहीं मिल पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। दूसरा, जो भी लेडीज़ अगर 8 मंथ प्रेगनेंसी में है अभी, तो उनके लिए मुझे, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप लोग एक्टिव रहो, जितना हो एक्टिव रहो, अच्छे से डाइट का ध्यान रखो और घूमते रहो, बस अपने आप को एक्टिव रखो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो आप, मैंने नहीं करवाई क्योंकि मैं 9th मंथ जैसे स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते ही मैं 3rd डे सोनोग्राफी वो करवा लूँगी। और मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा सोनोग्राफी भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए जितना हो। अपने आप को एक्टिव रखो, खाना खाते रहो, कुछ ना कुछ थोड़ी 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 देर में खाते रहो। दूसरा क्या होता है ना कि अपन पानी को भूल जाते हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि टॉयलेट आता है बार बार में, तो अपने ये सोचते हैं कि यार टॉयलेट कौन करने जाएगा, तो अवॉइड कर देते हैं उसे पानी को पीना। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं अपन लोग। तो पानी कंटिन्यू पीते रहना चाहिए, 10 से 12 ग्लास दिन के पीने चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखो तभी आपका बच्चा भी एक्टिव रह पाएगा। तो अभी तक सब नॉर्मल रहा और आप लोग ऐसे दुआ करना कि मेरा 8वां महीना भी जल्दी कंप्लीट हो, स्वस्थ कंप्लीट हो और सब नॉर्मल हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करो, आपके एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पहली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि आप थोड़ी सी दूर भी चलोगे तो आपकी सांस उठने लग जाती है, तो वो कोई डरने की कोई बात नहीं है, वो नॉर्मली होता ही है, तो कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए, बस आप एक्टिव रहो। दूसरा, क्योंकि पेट अगर आपका बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो वो कोई इश्यू नहीं है बड़ा। दूसरा, कमर में भी दर्द होता है बट मेरे को अभी नहीं हुआ है, बीच में मेरे को हुआ था बट अभी नहीं है, अभी मेरा सब नॉर्मल है। और स्टार्टिंग में मेरे को नाभी से नीचे मूवमेंट होते थे तो सभी बोलते थे कि बच्चा तो पूरे पेट में घूमता है तो तुम्हारा क्यों नहीं घूम रहा है, तो मुझे डर लगता था कि यार ये क्या है कि मेरा बच्चा पूरे पेट में क्यों नहीं घूमता है। बट अभी क्या हुआ ना, 7-8 दिन से ऐसा हो रहा है कि पूरे पेट में बेबी घूम रहा है। तो आप लोग भी सब्र रखिए, बच्चा पूरे पेट में ही घूमेगा और स्वस्थ ही रहेगा। अगर आप स्वस्थ हो तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो जितना हो आप लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें।